एलिगेशन तो देते रहेगा जब तक आदमी सांस बंद नहीं होगा, हर किसी का एलिगेशन देगा। दो टीम नहीं होता है, ये प्रति में मतभेद होता है बीच में और मनभेद नहीं होना चाहिए सबको, और प्रति एक ही है। और देश में भी प्राइम मिनिस्टर एक ही नरेंद्र मोदी, और ये प्रति प्रसिद्ध है कि जेपी नड्डा स्टेट में प्रति विराम वागे, और यहाँ में 14 डीमों में आज कार्यक्रम में आया, आप लोग ये पूछ रहे हैं बताया, यहाँ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशीष सोनी और MLA है अवतना हाली। नहीं, वो मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना है, इसके भी कोई समाधान होगा। अभी मेरा स्थित अध्यक्ष प्रेसिडेंट ब्यूराम वागे साहब वो निर्णय लेगा क्या है क्या नहीं है, इसका भी कोई कमिटी गठन करेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग सुलझा लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो गौर का बात है, वो तो थोड़ा मोरा तूतू में तो होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्या है भर्ती तो एक है, वो इधर भी काम करे, वो इधर भी काम करे, भर्ती के लिए बीजेपी कमल के लिए काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन, रिसेंटली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसके ऊपर में इतना सारा एलिगेशन दिन ब दिन हर दिन लगते जा रहे, तो आपको क्या लगती है एलिगेशन तो क्यों लग रहे? एलिगेशन तो देते रहेगा जब तक आदमी सांस बंद नहीं होगा, हर किसी का एलिगेशन देगा। तो अभी जो आप जो बोल रहे हैं, जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पेमा खांडू गवर्नमेंट, आप लोग खुद देख मीडिया, आप लोग खुद जाके कवरेज करो। अभी 2014 का पहले क्या था, अभी 14 का बाद जो पेमा खांडू CM होने का बाद क्या हुआ अभी सब देख रहा है। ये एलिगेशन जो बिना अपना देखो, कोई भी हो अपना आपको कुछ इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ नज़र रखने के लिए किसी का ऊपर में दबाव देता है, तो आप बिना सबूत का आदमी को एलिगेशन देते रहेगा। अभी खुद का भी थोड़ा प्रॉब्लम होना आना चाहिए ना, हर आदमी को बोलने में इजी है, बोल के बोलते रहेगा, अगर वो अभी क्या चीज़ में एग्जैक्टली क्या चीज़ में बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, अभी वो हम समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया फ्री है बोल के ऐसा झूठ मूठ का बिना में आज आप लोग मीडिया, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अभी सोशल मीडिया बोल के अपना आवाज़ को जाता जो मन में आता है खुशी मर्जी बोल के घूमने से तो लोग देख रहे हैं ना, जनता देख रहा है। 2014 ये 24 में पूछला लेगा कि किसका सच है, जरूरी नहीं हम लोग उसको सबको वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, हम मेरा उसको क्लियरिफिकेशन जरूरी नहीं है। तो जनता जानता है, देश जानता है, नरेंद्र मोदी ना कहूँगा ना खाने दूँगा, ये वो मूड स्लोगन को पेमा खांडू लेके चल रहे हैं। और हमारा JP नड्डा ने वो हम समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया फ्री है बोल के ऐसा झूठ मूठ का बिना में आज आप लोग मीडिया, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अभी सोशल मीडिया बोल के अपना आवाज़ को जाता जो मन में आता है खुशी मर्जी बोल के घूमने से तो लोग देख रहे हैं ना, जनता देख रहा है। 2014 ये 24 में पूछला लेगा कि किसका सच है, जरूरी नहीं हम लोग उसको सबको वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, हम मेरा उसको क्लियरिफिकेशन जरूरी नहीं है। तो जनता जानता है, देश जानता है, नरेंद्र मोदी ना कहूँगा ना खाने दूँगा, ये वो मूड स्लोगन को पेमा खांडू लेके चल रहे हैं। और हमारा JP नड्डा नेशनल प्रेसिडेंट है, और अभी स्टेट में ब्यूराम वागे, हम लोग जो इलेक्टेड लोग का जो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए उसको लेके हम लोग प्रति जो लीडर है कि इसको कोऑर्डिनेट करके बोर्ड लेवल तक आज जो घूम रहा है, देश भर में घूम रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं है, ये एलिगेशन चलते रहेगा, जूत मुद का चल होते रहता है। ऐसा बात नहीं कि वो लोग अपना रहा है और बोल रहे दो, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट क्लियर कट है, ये सब आपको ये आपका सामने ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है और कुछ होगा भी नहीं। थैंक यू। पर हम लोग को सुना है कि मंडल का प्रेसिडेंट दो है, एक तो है पंजीमटन और एक है ना, इसलिए हम बोला है ना मंडल दो नहीं होगा, क्योंकि एक MLA में आज कोई कोई जगह में ऐसे भी होता है कि एरिया का ऊपर में एक MLA होने से भी हम लोग का प्रति जो है
दो तीन मंडल बनाया गया है, वैसे तो होता है, लेकिन अभी वो अभी यहाँ में प्लेन एरिया है नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वह मेरा स्टेट प्रेसिडेंट है और इसका स्टेट प्रेसिडेंट जो हुक्म करेगा वो बाद में बात करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजेशन करेगा होगा, या कोई उसको मैंने निगोशिएट के लिए, या कोई अच्छा कुछ मतभेद हो रहा है तो मन भेद नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ सोल्यूशन आएगा और आप देखते रहो, कुछ एक महीना का अंदर में ये सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा जो आपको आपका सामने हम बोल रहे हैं, बाद में आपको हम पूछ देना, फिर से क्वेश्चन करना है, फिर दोबारा प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा। थैंक यू। आज हम यहाँ गुमतो सर्कल के हेडक्वार्टर गुमतो में हैं। आज का दिन हमारे दो महान पुरुष के जन्मदिन है, एक है लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और एक है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन दोनों के हमारा देश का ऊपर बहुत ही योगदान है, उसी की जयंती के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमारे राष्ट्र से और हमारे स्टेट के जो पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी साहब अनंत शर्मा जी भी आए हैं, हमारे 14 डेमक के MLA साहब आए हैं, और हमारे साथ में हमारे मोर्चा के अध्यक्ष स्टेट के अध्यक्ष आए हैं हिनीम तचू जी, और युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष आए हैं राम तजो जी, और जितने भी मोर्चा के जो कार्यकर्ता है सभी आए हैं। और आज का दिन के जो प्रोग्राम में सभी ने इन दोनों महान पुरुष को याद किया और यही संकल्प लिया कि उन दोनों ने जो एक हमारे देश के लिए जो सपना देखा, उस सपना को किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे भाजपा के जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता है, इस देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। सर, थोड़ा पहले कुछ आप लोगों ने कुछ हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया था। हाँ जरूर, ये जो हेल्थ कार्ड है ये स्पेशली हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के इनिशिएटिव में इसे लॉन्च किया गया है, और ये हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंस यही है कि आपको पता है कि हमारा एक स्टेट एक बहुत एक पिछड़ा हुआ एक स्टेट है, और यहाँ बहुत सारे लोग के पास में हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए जो एक धनराशि ज़रूरी होता है वो नहीं होता है। और इस कार्ड के जरिए हर एक व्यक्ति 5 लाख तक के खर्च के जो भी एक उसका उसके जो मेडिकल जो बिल होते हैं उसे हमारा सरकार ने डिसाइड किया कि उसे वो पूरा करेंगे। एंड मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आज तक इस कार्ड का बारे में पता नहीं है उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, और हर कोई इसे अवेल करना है।